जीवन कोश पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को लगने जा रहा है और इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे वक्त में अपनी राशि पर लगने वाले बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए आप अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, ग्रहण काल में उपाय करने से चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव भी आप पर कम हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं चंद्र ग्रहण पर राशि के अनुसार आप कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि के जातक इस दिन चंद्र ग्रहण के दौरान सुंदर कांड का पाठ लगातार करते रहें और ग्रहण समाप्त होने के बाद भगवान हनुमान के आगे चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। आपके दूसरे भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है, ऐसे में चंद्र ग्रहण धन कुटुंब संबंधित वाद विवाद करवा सकता है, इसीलिए सफेद चीजों का दान करें जैसे सफेद कपड़ा, चावल आदि। बात करेंगे अब मिथुन राशि के जातकों की। ये चंद्र ग्रहण आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दे सकता है, इसीलिए कच्चे दूध से रुद्राभिषेक अवश्य करें। बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों की। इस राशि के जातक चंद्रमा के मंत्र का जाप करें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। बात करेंगे सिंह राशि वालों की। अपने खर्चों को रोकने के लिए दवा का दान करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इस दिन आप शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें। बात करें अगर तुला की, तो सफेद चीजों के दान के साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा अपनी माँ को कोई सफेद चीज आप उपहार में जरूर दें। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि वालों की। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लिए दुर्भाग्य ना लाए, इसके लिए आप चावल की खीर बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आप पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 11 माला जप करें। बात करेंगे मकर राशि की, तो आप जीवन साथी के साथ शिवलिंग की पूजा करें और शिवाष्टक का पाठ करें। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इस दिन आप शिवलिंग पर दाएं हाथ से दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करें। इसके अलावा अपनी मां के चरणों को स्पर्श जरूर करें। बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस दिन मीन राशि के जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर करते रहें और चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय को पीली दाल अवश्य खिलाएं। तो ये थे राशि अनुसार वो उपाय जो कि आप अपनी राशि के अनुसार करके अपने ऊपर चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आशा करते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।